हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नेता प्रतिपक्ष के निर्वचन लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस के दो धड़े। ईओ को बैठक में जाने पर रोकने को लेकर हुआ विवाद, दोनों पक्षों में हुई खींचम तान धक्का मुक्की। पूर्व में मनोनीत नेता प्रतिपक्ष ने जताया विरोध, कांग्रेस के 11 में से 8 पार्षदों में नए नेता प्रतिपक्ष को दिया समर्थन। नगर पालिका में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष को लेकर आज अपराहन जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के दो धड़े आमने सामने हो गए। एक धड़ा नगर पालिका ईओ को बैठक में जाने से रोकने पर आमादा हो गया, वहीं दूसरा ईओ को खींच कर अंदर ले जाने की जद्दोजहद में जुट गया। दोनों पक्षों में खींचातानी व धक्का मुक्की हो गई। एक दिन पूर्व ही मनोनीत नेता प्रतिपक्ष में भी विरोध जताया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष व उनके समर्थकों ने नगर पालिका ईओ हाय हाय के नारे लगाए, वहीं दूसरे पक्ष ने नगर पालिका ईओ जिंदाबाद के नारे लगाए। गहमा गहमी के बीच कांग्रेस के 11 में से 8 पार्षदों ने कांतिलाल परिहार को नेता प्रतिपक्ष के मनोनय में समर्थन दिया। ईओ अनिल झिंगोनिया ने परिहार को नियुक्ति पत्र सौंपा। नगर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की ओर से 8 मार्च को नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भवनीश बारोट का मनोनयन किया गया। वही बुधवार अपराह्न कांग्रेस की पार्षद नरगिस कायम खानी समेत पार्षद पूर्व में डीएलपी निदेशक एवं वशिष्ठ सचिव के दिए आदेश अनुसार नेता प्रतिपक्ष के निर्वाचन के लिए बुलाई गई मीटिंग के लिए पालिका पहुंचे। वहीं नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोशी, कांग्रेस के पदाधिकारी व कांग्रेस पार्षद भी नगर पालिका पहुंचे। दोनों पक्ष नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के आगे आ गए। पार्षद कायम खानी व अन्य पार्षद पालिका ईओ को बैठक में ले जाने का प्रयास करने लगे। नगर कांग्रेस अध्यक्ष व अन्य कांग्रेस पार्षद ईओ को बैठक में नहीं जाने देने पर अड़ गए। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर धक्का मुक्की व खींचतान हुई। काफी जद्दोजहद के बाद अधिशासी अधिकारी पालिका सभागार में पहुंचे। गेमा गेमी के बीच कांति परिहार ने स्वयं को नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रपोज किया। इस पर कांग्रेस के पार्षद नरगिस कायम खानी, बीना परिहार, शमशाद अली अब्बासी, कैलाश माली, सुरेश बंजारा, जितेंद्र बंजारा व साक्षी सक्सेना ने परिहार के पक्ष में हाथ उठाकर समर्थन जताया। नगर पालिका ईओ ने परिहार को नियुक्ति पत्र सौंपा। नव निर्वाचित नेता प्रतिपक्ष का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। जिंदाबाद मुर्दाबाद के लगे नारे। नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष निर्वाचन को लेकर अमित जोशी, पार्षद सुमित जोशी, अग्नि जोशी, निखिल जोशी आदि ईओ मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। वहीं नरगिस कायम खानी समेत पार्षद व पदाधिकारी ईओ जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। काफी देर तक नारेबाजी का हंगामा जारी रहा। जताया ऐतराज। गहमा गहमी के बीच नगर कांग्रेस अध्यक्ष जोशी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से भवनीश बारोट को नेता प्रतिपक्ष मनोनीत किए जाने का हवाला दिया। नेता प्रतिपक्ष को लेकर बुलाई गई बैठक पर सवाल खड़े किए, उसे गलत करार दिया, जबकि अधिशासी अधिकारी ने कहा कि उन्होंने डीएलबी के आदेश पर मीटिंग बुलाई है। कांग्रेस अध्यक्ष जोशी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आदेश नहीं मानने को अनुचित करार दिया, परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। वहीं मंगलवार को मनोनीत किए गए नेता प्रतिपक्ष भवनीश बारोट ने भी पूरी कार्रवाई को गलत बताया, मीटिंग नहीं बुलाने पर जोर दिया, लेकिन विरोध दरकिनारे करते हुए नेता प्रतिपक्ष का निर्वाचन किया गया। नव निर्वाचित नेता प्रतिपक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। पालिका के बाहर जमकर आतिशबाजी की गई। गौरतलब है कि परिहार दूसरे बार नेता प्रतिपक्ष निर्वाचित किए गए। धक्का मुक्की में फटे कपड़े, खींचातानी व जोर आजमाइश में नगर अध्यक्ष जोशी ने उनकी शर्ट का जेब फाड़े जाने को अनुचित करार दिया। वहीं पार्षद नरगिस कायम खाने ने भी उनकी शर्ट की आस्तीन फाड़े जाने पर विरोध जताया। इस बात को लेकर भी माहौल गर्मा गया। डीएलबी निदेशक के आदेश पर बुलाई गई बैठक डीएलबी निदेशक एवं विशिष्ट सचिव की ओर से गत वर्ष 9 नवंबर को नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष मनोनीत किए जाने के संदर्भ में मीटिंग बुलाने का आदेश दिए थे। इसी के चलते बुधवार को अपराह्न 3:30 बजे नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष निर्वाचन के लिए बैठक बुलाई गई। प्रदेश अध्यक्ष व डीएलबी आमने सामने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 8 मार्च को भी राज्य भर के नगर पालिका में
नेता प्रतिपक्ष का मनोनयन किया था। इसी के चलते आबूरोड नगर पालिका में भवनीश बारोट को नेता प्रतिपक्ष मनोनीत किया गया। वहीं दूसरी तरफ डीएलबी के निदेशक की ओर से गत वर्ष 9 नवंबर को नेता प्रतिपक्ष मनोनयन के लिए बुलाई गई बैठक को निरस्त नहीं किया गया, ना ही इस संदर्भ में कोई आदेश दिए गए। इसी के चलते नेता प्रतिपक्ष मनोनयन को लेकर हंगामा भर जमकर की नारेबाजी। नवनिर्वाचित नेता प्रतिपक्ष कांतिलाल परिहार समेत 8 पार्षदों पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व विधायक संयम लोढ़ा जिंदाबाद के नारे लगाए। काफी देर तक नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। पुलिस ने संभाला मोर्चा। हंगामे व तनावपूर्ण स्थिति के चलते शहर पुलिस को सूचना दी गई। इस पर शहर थाना अधिकारी सरोज बैरवा पुलिस जाप्ते के साथ नगर पालिका पहुंची। नगर पालिका परिसर में पुलिस बल ने मोर्चा संभाली। जम्मू टीवी के संवाददाता से बात करते हुए अनिल झिंगोनिया ईओ नगर पालिका आबूरोड ने कहा, मैं 2 तारीख को नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए लेटर जारी किया था। 7 दिन का टाइम देकर आज मीटिंग हमने आयोजित करी। उसमें डीएलपी के आदेशानुसार मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें श्री कांतिलाल परिहार जी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना गया है। 11 पार्षदों में से 8 ने अपनी सहमति प्रस्तुत करी, इसलिए आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका चुनाव किया गया। जागरूक टीवी की आबूरोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।